हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आए हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं छाता लगाया हूँ, आप सोच रहे हो क्यों लगाया हूँ, क्योंकि हो चुकी है यहाँ पर बारिश और पड़ रही है। अभी देख सकते हो सब में पानी भर चुका, रोड हमारा टूट चुका, क्योंकि यहाँ पर पानी की फिटिंग होने वाली है काम करने, सब में ये पानी भरा हुआ है। अभी बारिश हो चुकी है, कुछ काफ़ी सारी फसलें गिर चुकी हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फसलों का कितना सारा नुकसान हो चुका है। देखो यहाँ पे सब में पानी भर चुका है सब जगह, अभी काफ़ी बारिश हुई है और ठंड से भी बढ़ गई थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी ठंडी सही तरीके से गई नहीं थी, तो बारिश पड़ जाती है थोड़ी बहुत तो ठंड हो जाती है। आपको सामने ये खेत दिख रहा होगा, तो इसमें दिखाता हूँ कितना सारा नुकसान हुआ है। अभी सब खेतों में नुकसान हुआ है, देख लो आप, सारी फसल ही गिर चुकी है, सारी फसल गिर चुकी है। यहाँ तक नज़र मारोगे इस साइड में, देखो भाई अब यहाँ पे ये इतना नुकसान हो गया, क्योंकि ये फसल अभी जो लदी हुई थी फसल ख़राब हो चुकी है। अभी जो गिर चुके हैं तो उनमें कुछ नहीं होने वाला, वो जो है ख़राब हो जाएंगे सारे, वहीं के वहीं छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, फिर वो कम रेटों में बिकता। भाई क्या करे किसान यार, पूरे साल मेहनत करता है फिर एकदम कुछ हो जाता है अचानक से। बाकी प्रकृति है, क्या कर सकते हैं, बस अभी लुत्फ लीजिए मौसम का, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है वैसे तो। भाई गांव का सीन बता दूँ, गांव का सीन है यार, कोई भी हमारे गांव में एकदम दिखाई नहीं देता, पता नहीं क्या बात है। इसी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं वापस से सोच रहा हूँ कि बाहर चला जाऊँ कहीं दिल्ली वगैरह, फिर वापस से जाने की सोच रहा हूँ। वहाँ पर हम डिस्प्रिंग फिल्म देखी होगी ना, कि कहाँ गए सारे, मर गए क्या कहीं पर जाके, करण अर्जुन में जो होता भाई छतों पर सब लोग चले जाते, तो ऐसे कुछ होता है। अभी देखो दो बंदे जाते दिख रहे हैं इस साइड, और इस साइड हम देख सकते हो गाँव में हमारे कोई नहीं दिख रहा है। ये है अपना मोहल्ला, मोहल्ला बोलते हैं गाँव में, ये अपनी गली है, यहाँ से एंट्री हो जाती है और ये मेन रोड, जो मेन रोड पर हो जाता है। कुछ ऐसा है भाई अपना गांव, सही मस्जिद है, सरकारी स्कूल है, पढ़ाई वगैरह अच्छी हो रही है सरकारी स्कूल में। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अगले दिन, मैंने कल ब्लॉग बनाया था जो जितना ही बनाया था, और बाकी अब अगले दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल बारिश रुकी नहीं थी इसलिए मेरा कहीं पर जाना भी नहीं हुआ। और भाई आज भी बारिश पड़ रही है, करीब 24 घंटे हो गए भाई बारिश पड़ते हुए, और सब में बारिश पड़ रही है, क्या करा जाए भाई, फसलें वगैरह सारी ख़राब हो चुकी हैं। लगातार बारिश होने का नतीजा दिखा सकता हूँ मैं आपको, किसानों को हो चुका बहुत बड़ा नुकसान, और ये फसल भी कल गिरी नहीं थी मैंने आपको दिखाया था, और आज भाई ये देख सकते हो आप, ये भी गिर चुकी है। और मैं खेत पर गया नहीं था कल, हमारे भी गेहूँ नहीं गिरे थे, और बाकी जाके देखेंगे कि यार गिरे या नहीं गिरे, बारिश हल्की होती है तो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि अभी फसलें जो तैयार है करने के लिए, फिर बारिश हो रही है तो भाई नुकसान तो होता है, और 6 महीने किसान पालता है तो यार दुख तो होता है। चलो क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं। तो गाइस अभी धूप निकली थी तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आ चुका हूँ खेत पर, और देखो जैसे कि मैंने बताया था ये कल तो नहीं गिरे थे, मगर आज जो है गेहूँ गिर चुके हैं, दो बारिश हो चुकी है। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।